मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गेजेट नोटिफिकेशन में आयुर्वेदिक सर्जन्स को सर्जरी के लिए परमिशन दी है, बट इसके विरोध में आईएमए के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक सर्जन सर्जरी नहीं कर सकते हैं, वो सर्जरी के लिए स्किल्ड नहीं होते हैं। तो इसके संबंध में मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ, जो कि आप काफ़ी सीनियर सर्जन रहे सीनियर सर्जन हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन ली। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर के सिलोरिया है। मेरा ग्रेजुएशन जीवाई यूनिवर्सिटी ग्वालियर का है, 73 का है, और मेरा जो पीजी है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस यूनिवर्सिटी का, 77 का। उसके बाद मैं वहाँ रजिस्ट्रार रहा बनारस यूनिवर्सिटी में एक साल, और 79 में मैं दिल्ली सरकार का आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बतीय कॉलेज है, जो बड़ा ही हिंदुस्तान का फेमस कॉलेज है, उसके मैं ज्वाइन किया 79 में, और 2016 में एज ए प्रिंसिपल आई रिटायर। ओके सर, सबसे पहले मैं तो सर ये जानना चाहूँगा, क्या आयुर्वेदिक टेस्ट में सर्जरी का कोई वर्णन है क्या? देखिए, आयुर्वेद टेक्स्ट ही ऐसी ग्रंथ है जो जिसको सुश्रुत संहिता कहते हैं, और सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं। जी सर। जितना वर्णन सुश्रुत संहिता में है शल्य के बारे में, शायद ही किसी और ग्रंथ में। तो सर क्या कारण है कि आईएमए इसका विरोध कर रहा है? आईएमए के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको हिस्ट्री पता नहीं सर्जरी की। जी सर। दूसरा क्या है कि देखिए, एक हर जगह जो है पैसा विरोध, देखिए आपको मैं बताऊँ विरोध का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, जो सर्जरी वो लोग 50,000 1,00,000 रुपये में करते हैं, वही आयुर्वेदिक स्किल्ड सर्जन होगा उससे हाफ से कम रेट में करता है, तो मरीज या पेशेंट जो है एक डाइवर्ट हो जाएगा, तो उससे उनके व्यवसाय पर वो अंतर पड़ेगा, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। अदरवाइज जो है मेरे ख्याल से इस प्रकार का विरोध उनका जायज नहीं, नाजायज है। तो सर अभी कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो पिछले कई वर्षों से जिसमें सर्जरी की जा रही है आयुर्वेदिक में? देखिए, मैं आप बनारस यूनिवर्सिटी और तिब्बतीय कॉलेज, मैं आपको बात करूँ 70s की बात मैं कर रहा हूँ। बनारस यूनिवर्सिटी जो है सर्जरी का या शल्य का उद्गम है, ओरिजिन है। ओके सर। और दूसरा जो तिब्बतीय कॉलेज है वहाँ आज़ादी से पहले से भी सर्जरी हो रही है, और अभी भी वहाँ चल रही है, अच्छे स्केल पर चल रही है। बनारस यूनिवर्सिटी में तो ये आलम था 70s में, जो मैंने देखा है जो मॉडर्न सर्जरी के लोग हैं, अधिकांश मेजोर द पीपुल फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी, वो लोग अपने रोगी या कोई किसी सर्जिकल बीमारी से ग्रसित हो जाता था, वो आयुर्वेदिक सर्जन को ज़्यादा प्रिफर करते थे। तो ये स्किल्ड है, जो स्किल्ड होगा चाहे आयुर्वेदिक का हो चाहे एलोपैथिक का हो, ये चॉइस ऑफ पेशेंट की रहेगी। तो इस प्रकार का जो विरोध है वो गलत है उनका। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये मकसद यही है कि जो काम 25 मोहरा है आयुर्वेद वाला सर्जन 10 में कर देगा स्किल्ड होगा, तो मेरे ख्याल से यही एक है, मोनोपोली है और कुछ नहीं है। दूसरा जो कारण विरोध का है, कुछ लोग जो है आईएमए के जितने भी एसोसिएशंस होती हैं उनके अध्यक्ष या लीडर जो रहते हैं, वो गवर्नमेंट में एक अपना एक रसूख बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। ये लोग कुछ प्लेटफॉर्म से जो गवर्नमेंट को कभी कभी लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं किसी मुद्दे पर, वो भी ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे विंग तैयार हो जाएगी। जैसे कभी लगा कभी ये मांग को हड़ताल कर दी, बगडाउन कर दिया, जो दूसरी विंग तैयार हो जाएगी, तुमको ये खतरा रहेगा कि हमारी मोनोपोली से प्रभावित होगी, उसका कोई कारण। ओके सर, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक जो सब्जेक्ट्स है उसमें आयुर्वेदिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो सर्जरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं एवं प्रोसीजर्स, सभी का वर्णन किया गया हुआ है सर। देखिए, जितने इंस्ट्रूमेंट्स, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट और शार्प इंस्ट्रूमेंट। ब्लंट को यंत्र बोलते हैं और शार्प को शस्त्र बोलते हैं, और प्रोसीजर 8 हैं। जितनी संख्या, जितने प्रकार
उस जमाने में थे वो आज भी उतने हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी और मॉडिफिकेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और उसके बारे में भी आपको एक चीज बता दूं, अष्टांग भागवत में क्लियर लिखा है उस जमाने के हिसाब से वर्णन कर रहे हैं, उधर काला अनुसार संदर्भ, काल अनुसार संदर्भ, उस समय के संदर्भ के हिसाब से है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जाती है तो सन चिकित्सक को उसको अपनाते रहना चाहिए। तो इसलिए कोई किसी की जरूरत तो है नहीं कि हम उसको नहीं दे सकते, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एवरीबॉडी कैन टेक इट। ओके सर, मतलब आपका कहना है कि जो पहले इंस्ट्रूमेंट थे वही आज इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ नाम का अंतर आया हुआ है कि हिंदी इंग्लिश और कुछ एडवांसमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस हुई आज के जमाने जो पहले नहीं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने सुना है कि एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है जिन्होंने आयुर्वेदिक की कुछ सर्जरीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आईएमए के भी लोग भी कुछ आयुर्वेदिक सर्जन को एक्सेप्ट करें, उनकी स्किल को देखें, क्यों बिना देखे बिना कुछ जाने उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए ऐसा जनाब, इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, और हम तुमको अपना बड़ा भाई करके ट्रीट करते हैं। ये दोनों बैंक मिल जाती हैं तो ये मनुष्य, मैं रोगी ये नहीं देखता है मैं आयुर्वेद सर्जन के पास जा रहा हूँ या एलोपैथी सर्जन के पास जा रहा हूँ, चॉइस है बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर या सर्जन जो भी हो। आयुर्वेदिक जो आपने कौन सा क्या पूछा आपने, इंस्ट्रूमेंट्स कौन सर इंस्टीट्यूट जो कुछ जैसे एम्स हैं, पीजे चंडीगढ़ है, उसमें कुछ मैंने सुना है कि 400 टेक्निक होती है आपके यहाँ? नहीं, आपको दुरुस्त करना है, ओल्ड इंस्टीट्यूट में तो बहुत पहले से 400 का इंस्टीट्यूट चल रहा है, पीजे चंडीगढ़ में ही चल रहा है, और भी कई इंस्टीट्यूट होंगे मुझे क्या नहीं पता नहीं है। जहां तक सर्जरी का सवाल है, उसमें क्लियर लिखा है वही व्यक्ति सर्जरी कर सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन हो, आप देखिए जी सर, और विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट क्वालिफिकेशन जो लोग सर्जरी करते थे उसको सुसुन कहा है कुवैत, और उसको कहा गया है कि उसको राजा सजा देगा, मीन्स अनस्किल्ड पर्सन परफॉर्मिंग सर्जरी देवर एलिजिबल फॉर द पनिशमेंट। आप समझिए वो कितना हार्ड हो रहा होगा। तो इसलिए बनारस यूनिवर्सिटी में सबसे चालू हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी से जो लोग निकले करके उन्होंने अपने दम पर जो है इसको मिला को चालू रखा और जगह जगह कई इंस्टीट्यूट फैलाए, और आज यही देन है आप हिंदुस्तान के बनारस यूनिवर्सिटी के अलावा पपरोला है, गवर्नमेंट अलकोल पीजीआई पपरोला है, आपका ये दिल्ली के कॉलेज हैं चौधरी ग्राम का है, और इंस्टीट्यूट आयुर्वेद है, साउथ के कई कॉलेज हैं, महाराष्ट्र के कई कॉलेज, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, लेप्रोस्कोपी दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर डूइंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इसलिए जो है मेरे ख्याल से कुछ नहीं है लोगों में विरोध करना, कुछ लोगों का है तो ये वाजिब नहीं। तो सर आईएमए इस चीज को लोग क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो आयुर्वेदिक सर्जन हैं वो स्किल्ड हैं और स्किल्ड सर्जन ही सर्जरी करेगा, ऐसा क्यों है सर? नहीं स्किल्ड, मैं आप सही कह रहा हूँ, आप ऑडिट कराइए ना। बिल्कुल सर, आप जो है जो देखिए डॉक्टर साहब, मुद्दा ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर्जरी करना इतना आसान नहीं है, सर्जरी वही करेगा जिसको ज्ञान होगा, जिसको पता है कुछ इफ समथिंग गोज रॉन्ग वो फंस जाए, और आयुर्वेद का तो बहुत उससे करेगा, कॉस्टली करेगा, क्यों जैसे 32,000 की भी जेब होती है उसको पता है मेरी ज्यादा से गलती हो गई, ये लोग प्रोपेगंडा कराएंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति फैलाई जा रही है, और मेरे ख्याल से ये विरोध जो ज्यादा चलेगा नहीं, ये कह दिया हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे करेंगे, ये बकवास की चीजें, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ है उसके विरोध में कुछ। तो सर आप आईएमए वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके संबंध में? हम तो आईएमए वालों को ये कहेंगे भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई से, आप हम देखिए भलाई जब में है, जब है, जब आप जो है कंधे कंधा मिला के चलेंगे, कन्फ्रंटेशन लेंगे, तो उसमें ना आपका भला है ना हमारा भला है, तो हम यही कहेंगे आप हमारे बड़े भाई बन के चलिए, और छोटे भाई को ले हम मान तैयार सगा के लिए, और उसमें फायदा है, इसलिए वी शुड रिमेन वन
और विष्णु ने पूछी। बिल्कुल सर, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आईएमए वाले इसको एक्सेप्ट करें, जिससे देश का विकास हो, मेडिकल फैसिलिटीज भर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हो सकें, गांव गांव में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है वो दूर हो सके, जो कि हम जानते हैं कि भारत में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। तो इससे पूरे भारत देश को, जनता को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, और यही उम्मीद करते हैं कि आईएमए इसके एक्सेप्ट करें और इससे जिससे कि देश का विकास हो। देखिए दूसरी चीज़ का रखना होता सर्जरी के अलावा आयुर्वेद को पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बताए, उनका भी बड़ा है, उस पर शोध की संस्थान की जरूरत है। उसमें आईएमए वाले भी लोग जो डॉक्टर्स हैं वो भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं एक्चुअल नॉलेज। जैसे हमारे क्षार कर्म है, जलौका कर्म है, कहनी कर्म है, शराबेद कर्म है, इनकी भी बड़ी उपयोगिता है और दे आर वेरी मच इफेक्टिव। तो एक्चुअल नॉलेज है, जब हम लोग सब मिलकर काम करेंगे जो उसका साइंटिफिक डाटा रिजल्ट आएगा वो भी हमारे रोगियों के लिए या जो समाज के लिए बहुत ही वो रहेगा, उत्तम रहेगा। बिल्कुल सर, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों सर्जन कंधे से कंधे मिला के चलें और लोगों का जिससे भला हो। और हम तो इसके लिए अपनी भारत सरकार के बहुत ही हमारी जितना हम लोगों के साथ न्याय किया गया है आयुर्वेद जगत पूरा इसके लिए ऋणी। और सबसे बड़ी जो है भगवान धन्वंतरी भी सोचेंगे कि देर सही सवेर सही कम से कम ये आयुर्वेद का पुण्य शल का अवतरण स्थिति पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।